दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इस देश का सबसे बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री चाणक्य, चाणक्य ने अपनी शिखा को खुला क्यों छोड़ा था? कारण क्या? चाणक्य के पिता का नाम चाणक था। चाणक्य के पिता का नाम चाणक था। चाणक जो है एक होनहार ब्राह्मण थे। वो जो है हमेशा अपने राजा से दुखी रहते थे। राजा से दुखी इसलिए रहते थे कि वो राजा जो है धनानंद बेविचारी अत्याचारी होने के कारण जो है चाणक्य जो दुखी रहते थे। उन्होंने योजना बनाया कि किसी प्रकार से हमारी जनता को सुख मिले और सुख सुविधा में हमारी जनता रहे। उनकी योजना का पता जो है अमात्य राक्षस को चल गया। अमात्य राक्षस बड़ा ही दुष्ट प्रकार का धनानंद का सलाहकार था। एक दिन की बात है, इस बात को जब पता चला तो अमात्य राक्षस ने धनानंद को इस योजना के बारे में बताया कि आपके विरोध जो है चणक करने वाले हैं। धनानंद बेविचारी तुरंत चणक को पकड़ लिया और पकड़ करके जेल ले दिया। जेल देने के बाद ऐलान किया, इस राजा का ऐलान था कि इस ब्राह्मण का सर को काट करके चौराहे पर टांग दिया जाए। ऐसा ही हुआ। राजा के आदेशा अनुसार चाणक्य के सर को काट कर करके चौराहे पर एक बांस में लटका दिया गया। जब यह बात चाणक्य को पता चला, चाणक्य के पुत्र चाणक्य को पता जब चला तो बड़ा ही दुखी हुए। उस समय उनकी अवस्था जो थी 14 वर्ष की थी। तब उन्होंने रात्रि में अपने पिता का शव उस बांस से धीरे धीरे उतारा और उतार करके गंगा नदी में अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद गंगा के जल से उन्होंने प्रतिज्ञा ली। अपने इस पिता के कटे हुए सर को देखकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली और लेने के बाद कहा कि जब तक मैं धनानंद को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे पिताजी का तर्पण नहीं होगा। जब तक अमात्य राक्षस को मार नहीं दूंगा तब तक मेरा ये शिखा जो है खुली रहेगी। जब तक मैं अमात्य राक्षस को उसके गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं पकी हुई भोजन नहीं करूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा लेकर करके उन्होंने धनानंद के विरोध जो है षड्यंत्र रच दिया। अगला बात अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।